प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले क्लास में हम लोग इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 9 फार्मूला प्रूफ करके आपको भेज दिया है। अगर आज आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो ये आवश्यक है कि हर एक बात समझ में आए। तो इसके लिए क्या करना, जो पिछले पीरियड में जो कुछ भी पढ़ाए, दो गो और क्लास लिए हैं, उसको जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट खोलोगे ना तो आपने मिल जाएगा। दूसरा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं भी लाभान्वित हों और संसार को भी लाभान्वित कीजिए। इसके लिए आवश्यक है जो आप अधिक से अधिक मनुष्य तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग तो फेसबुक देखते हैं, जो भी बच्चा फेसबुक देखते हो सब अपने फेसबुक पर में इसको शेयर कर दो, जिससे कि अधिक से अधिक मनुष्य तक ये पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सके। आज आवश्यक है क्योंकि सारा संसार घर में बंद है, इस बात को समझें और स्वयं भी लाभान्वित हो, संसार को भी लाभान्वित कीजिए। तो देखिए, हम लोग अभी जो प्रूफ देने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आशा है आराम से समझ सको। क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर इसका 10। लिखने जा रहे हैं ये फार्मूला कहता है, पहला जो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल तो ये होता है कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है कि कॉस इनवर्स एक्स अगर रहे तो ये चेंज हो जाता है साइन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ इसका एकदम सिंपल है, सब आराम से कर लो। मान लो इसको कुछ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो चूंकि हम लोग फार्मूला 19 में पढ़े हैं जो कॉस ऑफ एंगल थीटा ये होता है रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब ये हो गया रूट ओवर वन माइनस साइन थीटा कितना आया था एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस को इधर कर दो आई हो गया कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स, आ थीटा माने थे कि तो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स, वैसा ही कॉस इनवर्स एक्स को जब थीटा मानोगे तो एक्स हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ लिखना साइन थीटा तो रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर प्रूफ हो जाएगा। अब जो फार्मूला 11 लिखने जा रहे हैं, इससे पहले थोड़ा एक बात समझ लें कि हम लोग एक से किसी में भी, तो कॉस में ना चेंज किए, किसी में भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसको 10 में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में सवाल बनाते समय प्रॉब्लम आएगा, किसी और में चेंज करना पड़े तो कैसे कर लेंगे। जैसे लिखे जो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या करो, जो बगल में एक ट्रेंगिल बना लो, राइट एंगल ट्रेंगिल समकोण त्रिभुज, तो इसमें क्या करे, इसी एंगल का नाम दे दिया हम लोग थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा के अपोजिट में जो साइड है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज हो गया बेस,
तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच, तो ये तो एक्स है होता है, यहाँ हो जाएगा ये एक्स, एच लिख लो वन, तो एक्स बाय वन तो एक्स रह गए। अब बच गया इसका बेस, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ऑफ है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका तीनों भुजा हमको पता हो गया, अब हम जिसमें चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कॉस वाला प्रूफ दिए, तो तुम लिख सकते हो जो चूंकि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनी, तो ये तो है बेस इतना, हाइपोटेनिज वन है कितने रह गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस को इधर कर लिया तो हो गया कॉस इन वर्स रूट ओवर वन माइनस, आ थीटा किसको माने हैं, तो साइन इन वर्स एक्स को, तो ये आ गया साइन इन वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन वर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो टेन में अगर इसी को चेंज करना रहे तो कैसे कर लेंगे, यहाँ लिखो जो चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा क्या होता है, तो पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटा आधार, तो ये हो गया एक्स बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, तो टेन को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इन वर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाई, तो थीटा किसको मान के चल रहे थे, तो साइन इन वर्स एक्स, तो साइन इन वर्स एक्स का वैल्यू अगर टेन इन वर्स में हमको जरूरत है तो हो जाएगा टेन इन वर्स एक्स बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये कॉट थीटा लिखते कि ये ऊपर हो जाता है ये नीचे, कॉट होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा हो जाता है कॉट इनवर्स, सेक जानना है तो पी बाय एच बाय बी, तब ये हो गया वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर, जिसे यहाँ से लिखते हैं सेक थीटा में चेंज करना चाहिए, क्योंकि सेक थीटा तो ये हो जाएगा एच बाय वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर यहाँ लिखे थीटा इज इक्वल टू, तो सेक को इधर कर लेते हैं तो सेक इन वर्स वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा किसको मान लिया, तो साइन इन वर्स एक्स इज इक्वल टू, तो हो गया सेक इन वर्स वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। किसी से किसी में बदला जा सकता है, कॉस इनवर्स को भी किसी में बदल सकते हो, टेन इनवर्स को भी जरूरत पड़े तो किसी में, हम लोग ये ट्रेंगिल खाली बना लेना, तीनों साइड से इसका पता कर लो, इसके बाद जिसमें चेंज करना है उसका फार्मूला लगाना, उसी के इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अब जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में और एग्जाम में भी, आजकल तो बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव कर दिया, इसलिए ध्यान दे के देखो ये फार्मूला, ये लास्ट है, अब फार्मूला नहीं चर्चा करेंगे, तो ये साइन इन वर्स माइनस ये हो जाता है माइनस साइन इन वर्स थीटा पहला, दूसरा कॉस इन वर्स माइनस थीटा अगर दे दिया तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन वर्स थीटा, थीटा लिखो चाहे एक्स रखो एक्स ये रखते हैं, तीसरा टेन इन वर्स
ये अगर माइनस एक्स लिख रहा है तो इसमें हम लिख देना माइनस टेन इनवर्स एक्स, चौथा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और छठा होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन गो फार्मूला है जिसमें माइनस रहता है तो सीधा बाहर आ जाता है, कौन कौन में आया तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इस सब में अगर माइनस लगा है तो ये बाहर में माइनस आ जाता है। और तीन गो में दिए अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख रहा है या कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिख रहा है या सेक इनवर्स माइनस एक्स लिख रहा है तब लिखना पाई माइनस। क्यों लिखेंगे तो इसके लिए अभी प्रूफ देने जा रहे हैं, दो को प्रूफ दे देते हैं, वही है वही जैसे जैसे करेंगे वैसा ही सबको कर सकोगे। हम पहला का प्रूफ देने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कैसे होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रूफ देख लो। इसको कुछ मान लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू से मान लिए थीटा, देयर फोर तो उधर इनवर्स ले जा तो साइन थीटा तो ये हो गया माइनस एक्स, दैट इम्प्लाई तब से ये अगर माइनस हटाना चाहें तो इधर लगा दो तो एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल। हम लोग एगो फार्मूला पढ़े हैं जो साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा, तो चूँकि लिख देना जो साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा तो ये होता है माइनस में साइन थीटा, इसलिए माइनस बाहर था इसको अंदर कर दिए, तो देयर फोर तो इसको रख लो माइनस थीटा इज इक्वल टू तो साइन को इधर कर दिए तो हो गया साइन इनवर्स एक्स, दैट इम्प्लाई तो खाली थीटा अगर रखते हैं तो निगेटिव साइन इधर लगा देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, आ थीटा किसको माने थे तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्रूफ हो गया। अब जैसे देखें कॉस वाले में ऐसा क्या है जो पाई माइनस लगाना पड़ गया है, इसे लिखे जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो कहे लिखना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ दो इसका। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर मान लिए थीटा, तो देयर फोर यहाँ लिखे जो कॉस थीटा से ये बच गया माइनस एक्स, तो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू तो माइनस इधर आ गया कॉस थीटा, लेकिन ये जैसे साइन में माइनस था तो एंगल माइनस कर लिए, लेकिन कॉस में क्या पढ़े हैं जो कॉस ऑफ एंगल माइनस थीटा ये बराबरी होता है प्लस में कॉस थीटा, तो अब ये माइनस को हम लोग कहाँ ले जाएँ, तो इसके लिए क्वाड्रेंट चर्चा सिखाए होंगे कि चार को क्वाड्रेंट में कहे इसमें ऑल पॉजिटिव 90 डिग्री है जिसको पाई बाय टू करते हैं, ये हो गया पाई, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड में कौन कौन कहे पॉजिटिव तो साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव रेस्ट सब निगेटिव, तो इसलिए फार्मूला है क्योंकि कॉस ऑफ एंगल पाई माइनस थीटा तब से ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और साइन में पाई माइनस करते हैं तो प्लस ही आता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहता है,
तो इस माइनस को ये फार्मूला लगा कर चेंज कर दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिख दिए कॉस ऑफ एंगल पाई माइनस थीटा तो देयर फोर अब रख लो पाई माइनस थीटा तो कॉस इधर आ गया तो हो गया कॉस इन वर्स एक्स तो दैट इम्प्लाइज इसको इधर लिया थीटा को इधर कर तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा इधर माइनस है इधर गया तो गया प्लस तो थीटा किसको माने हैं तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। भाई फार्मूला हम जितना था टोटल प्रूफ कर दिए हैं, मात्र इतने फार्मूला का आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है। अब बचा रेंज समझाना, जो इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ये सब का रेंज क्या है। तो रेंज समझने के लिए आपको फंक्शन समझना ज़रूरी है। ऐसे 11 वाला प्ले लिस्ट खोल करके देखोगे तो उसमें फंक्शन समझाए हैं। 12 के लिए जो मॉडल सेट तैयार किए थे उसमें हम फंक्शन समझाएं, फिर भी क्योंकि अब यहाँ इनवर्स पढ़ा रहे हैं तो ये इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो सिर्फ त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कै गो होता है तो 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, सातवां तो होता ही नहीं, इसलिए सिर्फ 6 के बारे में ही हम लोग विचार करेंगे कि इसका रेंज क्या होगा। उसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, डोमेन का कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता है लेकिन हाँ रेंज का ज़रूरत पड़ता है। देख देख पर आगे जाएंगे तो कैलकुलस भी पढ़ाने लेंगे तो उसमें भी रेंज समझना आवश्यक है, नहीं तो इनवर्स का टोटल सवाल आपसे सब गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दे करके पढ़ना, विशेष हमको कुछ नहीं कहना है, मन लगा करके घर में आप पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो हम व्हाट्सएप नंबर अपना आपको देने जा रहे हैं, इस पर में आप व्हाट्सएप करेंगे, इनवर्स के संबंध में ही करना, ये नहीं किसी दूसरे चैप्टर का हमको मैसेज भेज देना, नहीं, इनवर्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम जब तक इनवर्स का क्लास चलते रहेगा हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करके फिर वीडियो भेज दें। तो देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, नोट कर लेना। ये हमसे जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या मोबाइल नंबर सब कुछ है। ये ऐसे छात्रों के लिए है जो हमारे पास आकर के नहीं पढ़ते हैं, अभी तो कोई नहीं पढ़ रहा है लेकिन हाँ जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो लोग तो आएंगे सीखने के लिए, तो ये उनको तो सुविधा ये मिल जाएगा। आप लोग जो हमसे बहुत दूरी पर में हैं तो मोबाइल के द्वारा तो हम आपके पास में आ गए, लेकिन शारीरिक दूरी जिनको है हमसे जो हम तक आ नहीं सकते हैं ये उनके लिए है जो वो हमको व्हाट्सएप करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 9279950563, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैं आप इनवर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो चैप्टर पढ़ाते रहें उसी से रिलेटेड आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर बना के भेजेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे जो आप तक भेज ही दें, क्योंकि आप कंपटीशन ही सब में भी जो सवाल पूछा जाएगा अभी तो टाइम उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर होगा तो इंजीनियरिंग के लिए अलग से भी वीडियो बना करके हम आपको भेजेंगे, उसकी भी तैयारी आपको सीसी के लिए हो जाएगा, लेकिन वो इस फार्मूला बिना तैयार किए उनके लिए भी असंभव घटना है। ये जो वो इंजीनियरिंग के लिए हम पढ़ाएँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें ये उसको समझ जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ये सबके लिए समझाएँ हैं, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं तब भी या 12 में पढ़ते हैं तब भी। थैंक यू।